भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी देश के लिए कोई छोटा नाम नहीं, भारत रत्न से सम्मानित उन्हें किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक चेहरा, और राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी गई है उसकी यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी को 2 सदस्यों से 400 तक पहुंचाने के सफर में बड़ा योगदान करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं, और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कई बार उनका नाम सामने आया, लेकिन वे संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करने में लगे रहे, और आज उसी का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर साझा की है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन, एक बड़ा ऐलान, और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी का जो राजनीतिक जीवन है बहुत लंबा है, आपने देखा होगा सार्वजनिक उनका जो जीवन रहा है बहुत बड़ा रहा है, 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया है भारत की आजादी से लेकर आज तक। लगातार उनकी अगर बात करें तो बहुत सारे चर्चे उनके तमाम कामों के होते हैं। उनका राजनीतिक जीवन की बात करें तो बहुत बड़ा एक उनके समय था, उनको पूर्व गृह मंत्री रहे देश के, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके साथ साथ INB मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री ने भी उनका जिक्र ये अब सरस किया है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था राम रथ यात्रा, जब उन्होंने गुजरात से शुरू करके और राम मंदिर के लिए पूरा अभियान तेज किया था, उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। यानी कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे काम आडवाणी जी ने ऐसे किए, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया है कि उन्होंने जब आडवाणी जी से बातचीत की भारत रत्न मिलने के बाद, उन्होंने बताया कि जिस तरह से आडवाणी जी का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, चाहे वो एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या INB मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, तो लगातार जिस तरह से संसद के अंदर जो उनकी इंटरवेंशन रहे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, और उसी के चलते उनको आज भारत रत्न की घोषणा की गई है। यानी कि अब पहले आडवाणी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और अब सरकार ने उनको भारत रत्न का देने की घोषणा की है। और जो तस्वीरें पवन शेयर की गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो बताती हैं वो मुस्कुराहट, साथ ही साथ जब रीट्वीट करते हैं अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री, तो कुछ और बातों का जिक्र उनकी तरफ से कहा गया है कि जब जब मुलाकात हुई है अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द उनकी तरफ से खुद लिखे गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो उस समय ये जुगलबंदी मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की, उसके साथ साथ जब राम रथ यात्रा उन्होंने आडवाणी जी ने निकाली तो उसके संवाहक के रूप में, संचालन के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देखे गए। आपने लगातार कई सारे जो पुराने वीडियोज में हम देखते हैं, पुराने चित्रों में हम देखते हैं, तो लगातार नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दिखते हैं, और पूरा राम रथ यात्रा जब निकली थी उसका संचालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ही नेताओं की बहुत पुरानी बॉन्डिंग है। हम भी आज भी जब देखते हैं, जब भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर जाते हैं, उनको विश करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, समय समय पर फोन करके जानकारी, उनकी जो बेटी है प्रतिभा उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो दोनों ही नेताओं के बीच में बॉन्डिंग बहुत गहरी है, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो उनके राजनीतिक गुरु के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी को माना जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आज अपने आप को बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये भाव विभोर कर देने वाला क्षण भी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए है। कई बार ऐसे मौके बने पवन के जब प्रधानमंत्री पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त भी सत्ता छोड़ संगठन को मजबूत करने में लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्परता दिखाई, और ये उसी का परिणाम कहा जा सकता है कि आज पार्टी इस मकाम पर पहुंची, और भगवान राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का माना जाता है। भारत रत्न का जो एक बड़ा सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है, ये भी एक बड़ा मौका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह की बातें कही जाती हैं, विरोधी जिस तरह से कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और PM मोदी को लेकर के कई तरह की बातें चलती हैं, उसका यहां पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत प्रेम और एक जो भाव है वो दोनों के बीच वो भी दिखाई दिया है।
जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बॉन्डिंग है उसको वो बहुत गहरी है और दोनों ही नेताओं की समझ एक दूसरे के साथ बहुत परस्पर प्रगाढ़ है। उसी के चलते आप देख सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी जिस तरह से लगातार कई बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने संगठन को सर्वोपरि रखा, तमाम सारे जो लाभ के पत्ते उनको साइड में रखे हुए उन्होंने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की और वही कारण है कि जब 2 सीट से बढ़कर आज बीजेपी 303 सीट तक पहुंची है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का भी रहा है। देखें पूरा राम मंदिर मूवमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राम रथ यात्रा की बात करें तो हमेशा आगे रहे। तो ये सब विषय ऐसे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के सार्वजनिक जीवन में और बीजेपी को एक आज की जो स्थिति में पहुंचाने का जो बहुत बड़ा श्रेय है कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी को जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीतिक जीवन की तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए, लगातार जो अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें, विपक्ष के साथ भी संबंधों की बात करें या फिर संसद के अंदर के अपने इनसाइट्स की बात करें, संसद के जो जो आचार विचार हैं उनकी, संसद की जो गरिमा है उसकी बढ़ाने की लगातार बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का इस पूरे में रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज जिक्र करते हैं संसद के अंदर के उनके इनसाइट्स की और वो अपने ट्वीट के अंदर बताते हैं किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जब पूर्व उप प्रधानमंत्री थे या गृहमंत्री तो INP मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किए तो संसद के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। तो ऐसे में आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा पल है। और अक्सर ही विपक्ष को भी हमने देखा है पवन, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर जरूर चुटकी ली जाती होगी आंतरिक तौर पर कि चूंकि सार्वजनिक मन से भी विपक्ष कहता है कि जो सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। हालांकि ट्वीट की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो शब्द भी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहे गए हैं, मुझे लगता है ये तमाम चीजें उन विपक्ष के आरोपों को सीधे तौर पर नकारती हैं। देखिए जाहिर तौर पर ये विपक्ष आरोप जरूर लगाता था लेकिन जब भी मौका मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आडवाणी जी का स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर उनकी बेटी जो प्रतिभा आडवाणी है उनको फोन करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानना हो या उनके जन्मदिन के मौके पर वहां जाकर उनको बधाई देनी हो, ये सब ऐसे मुद्दे ऐसे मौके हैं कि जिन पर लगातार प्रधानमंत्री उनके घर पर जाते रहते थे। उसके साथ साथ अभी जब अब उनका भारत रत्न की घोषणा करने के बाद में जो तमाम विपक्ष के जो आरोप थे जो बातें थी वो सब पर एकदम विराम लगा दिया है कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान करते आए हैं और जिस तरह से उनकी एक बॉन्डिंग है बहुत खास बॉन्डिंग रही है उसको आप देख सकते हैं तो सीधे तौर पर आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले मुलाकात के दौरान कई लोग प्रधानमंत्री के साथ एलके आडवाणी से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त कौन कौन पवन वहां पर मौजूद था? हेलो, हाँ पवन आवाज मिल पा रही है? कौन कौन गया था एलके आडवाणी से मुलाकात करने के लिए जब पीएम मोदी उनके पास गए थे, जब पुष्प गुच्छ उन्होंने दिया उस वक्त और भी कई बड़े नेता वहां मौजूद थे? देखिए अभी तो जब अगर बात करें तो अभी तक बहुत सारी तस्वीरें सामने आई नहीं है, अभी सिर्फ प्रधानमंत्री के ट्वीट के आधार पर ये तमाम जो जानकारी है वो सामने निकल के आ रही है, धीरे धीरे जैसे ही और सामने जानकारी आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री अभी जो है वो उन्होंने खुद बात करके आडवाणी जी से उनको बधाई दी है और ऐसे में सिर्फ बधाई का अपना जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने कि किस तरह से उनकी जो राजनीतिक जीवन रहा है उसकी चर्चा की है, तो ये सब बातें अभी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए शेयर किए हैं निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और वो सिलसिला भी आशीष हमने देखा है पवन, मैं इस पर भी टिप्पणी चाहूंगी, जब जब लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन रहा, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात करना हो या कोई भी पार्टी कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा हो, वो पोजिशन हमेशा से लालकृष्ण आडवाणी को देने का प्रयास कम से कम प्रधानमंत्री की तरफ से तो हमेशा देखा हमने। पवन हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हमेशा आपने पार्टी के जो फंक्शंस रहे हैं चाहे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही हो, हमेशा से आडवाणी जी को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। आपने देखा होगा कि कई बार मंच पर ही लालकृष्ण आडवाणी जी के पैर छूकर सम्मान उनको देते हुए नजर आए, या जहां भी चाहे वो जन्मदिन के मौके की बात हो या सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात हो या पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसी जो बैठकें होती हैं उनकी अगर बात करें तो आपने देखा कि जब 2019 में जब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी तो उस पर जब मंच पर लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। ऐसे कई सारे मौके आज तक के उनके राजनीतिक जीवन में रहे हैं कि जब भी उनका सामना लालकृष्ण आडवाणी जी से होता है तो हमेशा वो उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं, उनको आदर देते हुए नजर आते हैं, उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं।
तो ऐसे में तमाम तरह की जो बातें जो विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती हैं, जो की जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जी के रिश्ते को लेकर, वो अपने आप में बेमानी साबित हो जाती है। और आज जब उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है तो इन सब बातों पर अब विराम लग जाएगा। निश्चित रूप से पवन, और एक बड़ी बात और, जब भी किसी राजनीतिक शख्सियत को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह का बड़ा सम्मान दिया जाता है तो उस पर भी राजनीति बहुत होती है। कई बार उस पर पार्टीवाद या कुछ अलग तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। पहले भी कई ऐसे नेताओं को जब भारत रत्न दिया गया तो उस पर भी सवाल उठते रहे, कईयों को नहीं दिया गया उस पर भी सवाल उठते रहे, तो अभी क्या विपक्षियों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं है, जो कि अभी तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में ये बहुत सारे मौके ऐसे रहे हैं कि कई सारे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया गया था, कई सारी अगर सरकारी घोषणाओं को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन मोदी सरकार में जिस तरह से ये जो सम्मान दिए जाते हैं उनको उन्होंने एक अपना अलग स्थान बनाया, चाहे आप पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें या पद्म भूषण सम्मानों की बात करें, जो जो समाज के जो बिल्कुल तबका जिसको कहीं इंटरटेन नहीं किया जाता था, जिसको कहीं पूछा नहीं जाता, तो उस तरह से सम्मान मोदी सरकार दे रही है। और उसी कड़ी में चाहे आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या मदन मोहन मालवीय की बात करें या कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जो कि बहुत बड़े एक नेता पिछड़ों के माने जाते थे, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की बात करें या फिर आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात करें, तो ये सारे फैसले मोदी सरकार के ऐसे हैं कि जो इस सम्मान के असल में हकदार थे उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। लंबा जिस राजनीतिक जीवन का आपने जिक्र किया, वो जीवन और जिस संघर्ष का आप जिक्र कर रहे थे पवन, अभी वो संघर्ष भी आंखों के सामने से ऐसे गुजरता है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 200 और फिर 200 से 400 तक के जाने के सफर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस का जो सब घोषणा इसकी की गई है, निश्चित रूप से अब प्रतिक्रियाएं भी इस पर आना शुरू होंगी और ये सम्मान दिया जाएगा। औपचारिकताओं की बात करें पवन, तो अभी औपचारिकताओं में क्या कुछ रहता है अब इसकी जो घोषणा की गई इसके बाद? पवन, भारत रत्न दिए जाने के लिए अभी जो घोषणा की गई उसके बाद औपचारिकताएं किस तरह से रहेंगी आगे? देखिए, आज जो है वो सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और आगामी कुछ दिनों के अंदर ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में उस कार्यक्रम का आयोजन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है। कि यानी कि बहुत ज्यादा औपचारिकता इस पूरे प्रोसेस में होती नहीं है। अब सरकार के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की घोषणा किसी भी दिन की जाएगी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के परिवारीजनों और लालकृष्ण आडवाणी, इन दोनों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। पवन, एक और बड़ी बात ये कि हम ये भी देखते हैं कि पार्टी अपनी उस लाइन का भी समय समय पर जिक्र करती है, जिसमें जरूर कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता बहुत बड़े पद तक पहुंच सकता है और पार्टी निरंतर उसी प्रकार से सम्मान उस कार्यकर्ता को देती भी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर जनसंघ के अगर संस्थापक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों जनसंघ के संस्थापक के रूप में, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। पहले जनसंघ की जो स्थापना थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय ने की थी, उसके बाद में जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित किया गया और उस पर उसके संस्थापक सदस्य के तौर में आपने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी रहे और दोनों का ही सार्वजनिक जीवन जो है इतना बड़ा रहा। इसलिए पहले जो है वो भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की पिछली बार जो था, और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। जिस तरह से अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो बहुत बड़ा योगदान बीजेपी को आज की स्थिति में पहुंचाने का लालकृष्ण आडवाणी का रहा है। 2 सीट से लेकर और आज जो 303 सीट की स्थिति कहीं ना कहीं बनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो लालकृष्ण आडवाणी का रहा है। उसमें लगातार उनके जमीन पर खुद से फ्रंट से लीड करने की जो उनकी आदत रही थी, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वो राम रथ यात्रा हो या लगातार वो कश्मीर पर तिरंगा यात्रा फैलाने की बात हो या तमाम तरह के और जो कार्यक्रम हो, वो लगातार आपने देखा होगा जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी तो बीजेपी जब जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किया करती थी तो उनमें भी लालकृष्ण आडवाणी आपको आगे से लीड करते हुए नजर आते थे। यानी कि संदेश देते थे, जब कोई बड़ा नेता पार्टी का आगे से लीड करता है किसी भी अभियान को तो पीछे जो तमाम कार्यकर्ता है पूरे देश भर में वो चार्ज हो जाते हैं और पूरे देश भर के अंदर वो लगातार उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लगातार शब्दों का प्रयोग आप करें, चूंकि सम्मान का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं। पवन, बने रहेगा हमारे साथ।
हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से भी जुड़ गए, युगल तिवारी को छत्तीसगढ़ से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शायद वहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि अब रिएक्शंस धीरे धीरे आने शुरू होंगे। शैलेंद्र बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अगर देश के लिहाज से देखें, भाजपा के लिहाज से देखें, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि दो सीटों से लेकर आज जब 400 तक की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो बलिदान है या जो काम है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का है, किस तरीके से उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया था। मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है अभी सबके सब बैठकों में, और बैठक के बाद निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आना शुरू होगी। देखिए हर अब बीजेपी के जो लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान मिला और अब लालकृष्ण आडवाणी को यह सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो ये बेहद खास दिन भाजपा के लोगों के लिए है। देखिए तमाम जो चीजें रही हैं उनके कार्यकाल में जिस तरीके से लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया गया, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों से हम जो बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं उनसे हम बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रहने वाली है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि सर अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी जी तो वैसे ही पूरे देश के लिए भारत रत्न, भारत की धरोहर है, वैसे घोषणा हुई है तो ये बहुत अच्छा है और उसके लिए पूर्ण रूप से हकदार भी है, अच्छा निर्णय है जी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ देर पहले किया, कैसे देखते हैं आप? लालकृष्ण आडवाणी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, वो भारत के उप प्रधानमंत्री, राम मंदिर के प्रेरणा स्रोत, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना सींचा कि अब जो इस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी पहुंची है हम उन्हीं की देन मानते हैं। भारत रत्न उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए, देरी हो गई। आप कैसे देखते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को इतना बड़ा सम्मान मिला है भारत रत्न का? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनने आज जो मंदिर बना है उसकी नींव उनके द्वारा रखी गई थी, फिर इसके बाद में जो काम हुए हैं मोदी जी ने किए हैं, मैं उसको इससे बहुत खुश हूँ। आप बताइए कि कितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि जिस जो बीजेपी कभी दो सांसद हुआ करते थे, आज इतने सारे सांसद हो गए, इतनी बड़ी विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाई और ऐसे लोगों को आज सम्मान मिल रहा है। हमारी पार्टी के पितृ पुरुष हैं, वो बहुत प्रसन्नता का विषय है, उनके लिए भारत रत्न का से सम्मानित करना। माननीय अटल जी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने आज हमें इस स्थिति में, उस समय वो पार्टी में उन्होंने पार्टी की नींव को सींचा कि जहां दो सांसद थे आज हमारी सरकार है और आगे भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कर सके, इस स्थिति पहुंचे उनका बहुत बड़ा योगदान। मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र विजय बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से सांसद। विजय जी, लालकृष्ण आडवाणी भीष्म पितामह अगर कहा जाए राजनीति का आज के समय में उन्हें, तो गलत नहीं होगा उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, क्या रहेगी आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, आपने बहुत ही सही बात कही और हम सब के लिए गौरव की बात है और स्वाभिमान की बात है कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया है और ये इतिहास के पन्नों में उनका जो कर्म है, कृत्य है, वो लिखा जाएगा और लिखा भी है। उस समय एक नारा चला करता था, अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, और आज वो सर्वदा सत्य साबित हो रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कमल खिल रहा है, उनके ही संघर्षों का, उनके ही आत्मविश्वास का प्रतिफल है जो आज हम सब देख रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है उनके संघर्षों के प्रतिफल में हम भी एक सांसद के रूप में यहाँ अपने आप को पा रहे हैं। ये भारत को नई दिशा, नई दशा देने में जो आज माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लगी है ना, ये उनके ही संकल्पों का प्रतिफल है। और विपक्ष की तरफ से विजय जी अक्सर हम देखते हैं
कि बयान उनकी तरफ से जरूर आता है कि भाई जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है लालकृष्ण आडवाणी को, अब तो चलिए भारत रत्न दे रहे हैं, अब तो कोई शिकायत शायद नहीं होगी उन्हें। देखिए विपक्ष अपना जाने, विपक्ष तो हर सही काम को भी अपनी नजरिए से देखते हैं, अच्छा करें तो भी वो अपने नजरिया देखते हैं, बुरा करें तो भी देखते हैं। अब ये तो दोनों बातें उनके साथ चलती है। अब बुरा तो खैर होता नहीं है, उनके मन में पता नहीं क्या भाव रहता है कि विपक्ष अपने तरीके से हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखने की उनकी आदत है। और मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत वो लोग भी करेंगे इस बार, ऐसा मैं समझता हूँ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पार्टी की उस गाइडलाइन का परिचय निरंतर बीजेपी देती आई है, जिसमें कहा जाता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है, और पार्टी के लिए अगर आप काम करते हैं और उस शिखर तक पहुंचना है तो रास्ता महज मेहनत ही है। ये संदेश और ये मार्गदर्शन शायद लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से भी दिया जाता है हर मौके पर। उनके मन में सिर्फ राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रहित, देशप्रेम रहा, वो धार्मिकता की भावना से भी ओतप्रोत थे, आध्यात्मिकता भी उनके जीवन में था और देश प्रेम तो था ही, और वो हमेशा कर्म में विश्वास करते थे, हल्की इच्छा की चिंता नहीं थी उनको। और आज जब माननीय मोदी जी जब जी प्रधानमंत्री बने तो उस पहले भाषण को हम सुने तो दिल मतलब रो डालते, हम लोग आंख में आंसू आ गए थे जब उन्होंने मोदी जी के बारे में जो सम्मानजनक शब्द कहे तो उस समय आंख में आंसू आ गए थे। ऐसे भाव रखने वाले भावुक व्यक्ति भी हैं आडवाणी जी, और मुझे लगता है बहुत सौभाग्यशाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके संस्थापक के तौर पर पहचाने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका विजय बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शंस आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी। राजधानी भोपाल भी हम आपको लिए चले थे जहां पर शैलेंद्र हमारे सहयोगी आप तक रिएक्शंस पहुंचा रहे थे। सीधे अब आपको हम रायपुर लिए चलते हैं, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, यहां पर भी मुझे लगता है कि लोगों की प्रतिक्रिया मिलने लगी होगी, फिलहाल प्राथमिक तौर पर क्या कुछ संकेत वहां से? जी बिल्कुल, देखें केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, और जिस तरह से अब उन्हें जो है एक सम्मान मिलेगा और उसके बाद कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। और सबसे खुशी की बात है बीजेपी में ये खुशी है, भारत रत्न अपने आप में एक बड़ा जो सम्मान है और उसके अलावा शिखर का ये सम्मान है। और जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता है उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहे हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, बीजेपी में बिल्कुल खुशी का माहौल है और तमाम जो नेता हैं वो खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से नाता भी रहा है, कई बार छत्तीसगढ़ का उन्होंने दौरा किया है। अगर हम आडवाणी के कार्यों को देखें तो संगठन के शिल्पी उन्हें कहा जाता है, संगठन के भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता है, संगठन से लेकर के जैसे विजय बघेल जी ने, सांसद विजय बघेल जी ने कहा है कि धार्मिक जो भावनाएं उनमें कूट कूट कर भरी थी संगठन को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, तो एक बड़ा सम्मान इसे कहा जा सकता है। और हालांकि अभी जो प्रतिक्रिया है वो अभी सामने नहीं आई, लेकिन बीजेपी के जिनसे भी हमारी बात हुई है सब में खुशी का माहौल है, हर बीजेपी के चाहे आम कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, सब में खुशी की जो नजर है, खुशी की नजर से इस जो निर्णय को, इस फैसले को देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि वो स्मृतियां आप सभी की आंखों के सामने होंगी क्योंकि हर स्तर तक लालकृष्ण आडवाणी काम करते हुए नजर आए, और मध्य प्रदेश के साथ भी तो खास ताल्लुक रहा है। हर वो तस्वीर सामने आती है जब लालकृष्ण आडवाणी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि राष्ट्र का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद है, बहुत स्वागत आपका राकेश जी करती हूँ। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी चाहूंगी, लालकृष्ण आडवाणी जी अब भारत रत्न के तौर पर पहचाने जाएंगे। चलिए शायद फोन कट गया उनका, कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे बातचीत कर पाए। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पंकज जी मुझे लगता है कि गौरवपूर्ण क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा काम किया। रिएक्शन देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय कि मां भारती के कैसे सपूत को जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और भारत में उप प्रधानमंत्री के रूप में, एक सशक्त गृह मंत्री के रूप में और एक जमाने में दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में अद्भुत सेवा कार्य किए, और जिस प्रकार भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का है
अविस्मरणीय योगदान है और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है कि माँ भारती के सपूत को भारत रत्न जैसा सम्मान दिया गया और ये वो इसके योग्य थे और मुझे लगता है कि इस सम्मान से इस सरदार आडवाणी जी को सुशोभित किया गया है। तो ये हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि कोई भी व्यक्ति जो साधारण पृष्ठभूमि का हो और अपनी असाधारण जन सेवा की भावना से देश सेवा की भावना से भारत रत्न प्राप्त कर सकता है। तो आज बहुत गर्व का विषय गौरव का क्षण है और भाजपा के लिए सौभाग्य है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब लालकृष्ण आडवाणी जी से भारत माँ के सपूत पर भारत मिला है। तो हम सब बहुत आनंदित है और बहुत बहुत बधाई उनके और बहुत बहुत प्रणाम उनको और उनकी प्रेरणा जो है आडवाणी जी के कार्यों की वो हमेशा रहेगी। आज भी उम्र के दौर में उनका जो अनुभव उनकी जो सोच उनकी जो विचार और विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम करने का जो अद्भुत संकल्प उन्होंने लिया वो आज तक कायम है। और जैसा सब श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था कि 370 हटाएंगे राम मंदिर बनाएंगे तो मुझे लगता है आडवाणी जी आज बहुत प्रसन्न होंगे कि राम मंदिर बना हुआ वो आज हम सबके समक्ष है। राम मंदिर और 370 2019 से समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल तो बहुत सही शब्दों का उपयोग आप कर रहे हैं पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। फिलहाल राकेश सिन्हा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ राकेश सिन्हा जी, आपका रिएक्शन आपका सबसे पहले इस खबर को लेकर। देखिए श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय राजनीति को परिष्कार करके मूल्य अधिष्ठित राजनीति को आगे बढ़ाया है और उनका एक योगदान जो भारत के संघीय जनतंत्र के लिए बहुत ही गौरतलब है कि चुनाव सुधार के लिए आडवाणी जी ने 70 के दशक से प्रयास किया है और भारत के कुछ राजनीतिक जिन्होंने चुनाव सुधार की बात से सराहने दिए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में राजनीति और चुनाव सुधार के अतिरिक्त राम जन्मभूमि आंदोलन उनकी जो यात्रा रही है उस यात्रा ने भारत की पंथ निरपेक्षता को पुनर्परिभाषित जन आंदोलन के रूप में किया था। इससे उन्हें भारत रत्न किया जाना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और यह इस निर्णय से सिर्फ आडवाणी जी को खुशी होगी ऐसा नहीं मानता, उसके अतिरिक्त इस देश के तमाम लोगों को खुशी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, उन्होंने कैसे राजनीति का को सम्मान दिया है और भारत सरकार ने सम्मान दिया है जिस सम्मान से देश के लोग और देश की राजनीतिक व्यवस्था दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। राकेश जी, और मुझे लगता है कि दो चीजें हैं, एक बीजेपी के लिहाज से कि शून्य से सत्ता तक लेकर पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से ताल्लुक रखते होंगे, और राम मंदिर का योगदान जो जिसका जिक्र अक्सर हम करते भी आए हैं, और उसी प्रकार का सम्मान प्रधानमंत्री ने भी रह रहकर देने की कोशिश की है। जब जब जन्मदिन रहा तब उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे, स्वास्थ्य का हाल जानते थे, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी को आगे रखना। राकेश जी, जी देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जो ये है पद्म अवार्ड है उसके पूरे चरित्र को बदला है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहा है जो खाली पांव चलते थे, सामान्य लोग असामान्य काम किए, उसी तरह से यह जो अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है यह अवार्ड दिखाता है कि एक लंबी यात्रा में आडवाणी जी ने जो भारतीय राजनीति में एक लंबी यात्रा की उस यात्रा में कहीं पर भी कोई ऐसी चूक नहीं हुई जब उन पर एक और पारदर्शिता और सच्चरित्रता ये राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। दोनों को आडवाणी जी ने अपने लंबे राजनीतिक 60 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में निभाया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन सब लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष से ख्याल रखते हैं। शायद हम भूल जाते हैं किसी का जन्मदिन है किसी के सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद भी आडवाणी जी को और इसके पहले अटल जी को या उन तमाम लोगों को सम्मान देते हैं या देते रहे हैं जिसके कारण हम सब प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है और राजनीति सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के सभी लोगों को इस निर्णय से अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है। निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि वो लाइन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, अ मैन विद जीरो हेटर्स, मुझे लगता है कि अब जो सोशल मीडिया पर खबरें चलने वाली हैं उसमें इस लाइन का जरूर जिक्र होगा
कि अ मैन विद जीरो हिटर्स लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से अब सम्मानित किए जाने वाले हैं। राकेश जी ठीक कहा, ये पंक्ति बहुत ही उपयुक्त है आडवाणी जी के लिए भी। और एक बात आप देख लीजिए, आडवाणी जी ने अपने जीवन में पत्रकारिता की, पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया, संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे, फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में आए, जमीनी स्तर पर बढ़ते हुए उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। लेकिन भारतीय राजनीति में जो एक वैकल्पिक विचारधारा और वैकल्पिक राजनीति थी उसको लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे, न उससे समझौता किया, न ही उस राजनीति में कोई ऐसा काम किया जिससे कि उनकी यात्रा पर कोई दाग लगे। ऐसे बेदाग राजनीति के, तो मुझे लगता है कि अब तक जो ये अवार्ड की परंपरा थी वो अवार्ड की परंपरा में वंशवाद और उस एक कहीं ना कहीं पार्टिलिटी आती थी, निष्पक्षता की कमी होती थी, जिसके कारण अनेक सवालों से आचार्य जेबी से प्लानी जी ने 1960 में इन अवार्ड को खत्म करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। कारण अवार्ड के कारण अनेक प्रकार की ये आलोचनाएं शुरू हो गई थी। मोदी जी ने पद्म अवार्ड को, भारत रत्न को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जो आम जनमानस और आम देश के लोग इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तंत्र के ऊपर गन हावी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी तो भारत रत्न की बात हुई आडवाणी जी की, लक्ष्मी कुट्टी केरल की एक ऐसी महिला थी जो खाली पांव थी, 500 मेडिसिनल प्लांट को उन्होंने बचाया था, उन्हें भारत उन्हें पद्म अवार्ड मिला। तो इस प्रकार से इस अवार्ड की श्रेणी में आडवाणी जी को रखा जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आडवाणी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, जिन लोगों को अवार्ड मिला उसी श्रेणी में आए हैं। और आडवाणी जी की पूरी राजनीति, जयप्रकाश राव की राजनीति हुई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सांस्कृतिक सोच है उससे मिलती जुलती रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने समझाया उनके योगदानों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। और ये तस्वीरें उस ट्वीट के हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के शब्द रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही। अलग अलग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास धीरे धीरे आपको लिए चल रहे हैं। शैलेंद्र को हम सुन चुके हैं किस प्रकार उनकी तरफ से रिएक्शंस, जहां बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद थे। युगल भी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, चूंकि हम ये देखते हैं कि एक पद चिन्ह के तौर पर कार्यकर्ता को समझने की जरूरत होती है कि एक बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा राजनेता जैसे काम करता है वैसे ही पार्टी के लिए काम करना, और वो पद चिन्ह शायद लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे छोड़े हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, वो मुझे लगता है अविस्मरणीय है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर हैं बीजेपी के जो उनके अनुयायी रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। कईयों के तो राजनीति गुरु भी रहे हैं। आज खुद राष्ट्रपति जो उन्हें आज खुद उन्हें इतना बड़ा जो सम्मान है वो जब मिलने जा रहा है भारत रत्न से, उन्हें जब नवाजा जाएगा तो बिल्कुल उनके जो अनुयायी हैं जिन्होंने उन्हें अपना गुरु माना है वो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे ऐसे कार सेवक भी गए थे जिस उन्होंने नेतृत्व किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, और यही वजह है कि आज बहुतों के जेहल पे लाल कृष्ण आडवाणी बसे हैं। चाहे सामान्य कार्यक्रम हो बीजेपी का, तो उन छोटे से छोटे कार्यक्रम में आज भी जो लोग हैं आडवाणी के जो 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 कार्य है उसकी सराहना करते हैं। चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो जब वो भाषण अपनी शुरू करता है, चाहे बड़े नेता हो छत्तीसगढ़ के अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान है बीजेपी के लिए। उन्होंने जो किया संगठन के लिए, जो उन्होंने किया साथ ही साथ देश प्रेम की जो ओतप्रोत भावना से वो लबरेज रहे हैं, उनका वो उन्होंने जो किया उनकी जिक्र जरूर होता है। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने जो कार्य किया, गृह मंत्री भी रहे, तो एक बड़ा दायित्व भी उन्होंने संभाला है समय समय पर। तो ये कहा जा सकता है कि आज उनके जो जो अनुयायी है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनमें काफी हर्ष है वो देखा जा रहा है। जी निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि रिएक्शंस में भी धीरे धीरे ये बात निकलकर सामने आएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर एक अच्छी भूमिका और राष्ट्र के स्तर पर भी
जो विकास कार्य होने चाहिए, जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो रूपरेखा होनी चाहिए, वो जरूर उनकी तरफ से होम मिनिस्टर रहते हुए भी, आईबी मिनिस्टर रहते हुए भी स्पष्ट की गई। और मुझे लगता है कि यही शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से भी साझा किए गए हैं। युगल, एक और बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से मैं इस बात का जिक्र राकेश सिन्हा जी के साथ भी कर रही थी कि लालकृष्ण आडवाणी को उसी प्रकार से देखा जाता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनेता शायद जिसे विपक्ष भी नापसंद ना करता हो। जी बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, 45 सालों तक वो विपक्ष की भूमिका में निभाते रहे हैं और उस समय बीजेपी की ऐसी स्थिति नहीं थी, चुनिंदा सांसद हैं वो वहाँ तक सदन तक पहुँच पाते थे, तो उन परिस्थितियों में चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, बीजेपी को जिंदा रखने का काम किया, संगठन को फैलाने का, बढ़ाने का काम किया और आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये कहा जा सकता है उनकी सांसदों की संख्या अन्य राजनीतिक दलों की संख्या से कहीं बनिस्पत कहीं अधिक है। तो जो पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, जब वो आते हैं तो ऐसे बड़े जो नेता हैं उनको देखते हैं और उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं और यही पे जो संगठन से जुड़े हुए लोगों को फायदा भी मिलता है कि उनके पद चिन्ह पर चल के विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, कई बार जेलें भी गई हैं। 1972 से जो उन्होंने जो शुरुआत किया लालकृष्ण आडवाणी, तब से अब अनवरत जारी है। तो अब उनके जो काम है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, तो तमाम जो काम है उन्होंने किया है, तो ऐसे सम्मान है और सम्मान मिलने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों में भी एक ऊर्जा का संचार होता है और यही जो पार्टी के जो लोग हैं आज उन्हें सम्मानित होते देखेंगे तो खुद उनका सीना है। इस बात का जिक्र कर दिया है कि ऊर्जा का संचार पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी होता है, ये बात जानकर तो आपको सीधे हम लिए चलते हैं शैलेंद्र के पास, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद है और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करके हमें बताएंगे भी कि किस प्रकार की ऊर्जा है। शैलेंद्र, बिल्कुल, अब तक जिन कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई है सभी के सब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तविकता में एक सम्मान जो है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो अब हमको मिल रहा है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। तो हम बात करें, लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती रही है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पुरखों के बोए बीज और उनसे संचित किए हुए बीज से ही आज भाजपा का वट वृक्ष पूरे देश में खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्यक्ष के रूप में देखती है, भारतीय जनता पार्टी उनका जितना सम्मान करे। तो देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा की, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे अवसर है, मिलना ही चाहिए। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ शैलेंद्र, आपको थोड़ा सा इंटरप्शन यहाँ साउंड में आ रहा है और इसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी सुनने में आपको, कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे बातचीत कर पाए। युगल के पास अब आपको लिए चलेंगे, चूंकि युगल आप छत्तीसगढ़ में हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से अगर एक राजनेता के तौर पर रिश्ता लालकृष्ण आडवाणी का बयां करना चाहें। युगल जी, बिल्कुल, देखिए यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, अभी मौजूदा में जो नेता हैं वो सब जो उनके अनुयायी रहे हैं और उन्होंने जो काम किया संगठन को लेकर के, जब संगठन में कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था उस दौरान में जो लालकृष्ण आडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इन लोगों ने तमाम जो संघर्ष किया है उनके संघर्षकों को आज भी याद किया जाता है और कई बार ऐसे वक्त भी आया जब जेल भी उन्हें जानी पड़ी, तो उन तमाम जो स्मरण है उसको भी जो आज के जो नेता हैं वो याद करते हैं, चाहे सभा हो चाहे बीजेपी का छोटा कार्यक्रम हो, हर सभा या कार्यक्रम पे लालकृष्ण आडवाणी के जो किए गए काम हैं, उनके प्रयास हैं, उन्हें लगातार याद किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जब आदमी छोटा रहता है और जब शिखर तक पहुंचता है तो उनकी यादों को बिल्कुल याद करते हैं और सहेजा भी जाता है और लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसा नाम है जो
हमेशा जो निर्विवादित रहे हैं, कभी विवादों में नहीं पड़े हैं, और आज यही वजह है कि उनका जो सम्मान है वो मिल रहा है। और देश का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न का सम्मान यदि उन्हें मिल रहा है, तो आने वाले समय में बीजेपी के छोटे नेता हो या फिर बड़े नेता हो, उन्हें भी उस पद